टेक्निक का नाम है ग्लाइडिंग टेक्निक या फिर पेरियोब्राइन टेक्निक। इस टेक्निक को करने के लिए हमें 8 स्टेप्स सीखने पड़ेंगे। सबसे जो पहला स्टेप है ग्रिप एंड कैरी, हमें शॉट को कैसे पकड़ना है और कहाँ पे कैरी करना है, ठीक। दूसरा स्टेप है स्टांस, जो हमारा स्टांस है वो कुछ ऐसे रहेगा, ठीक। ये पैर जिस पे हमारा स्ट्रॉन्ग लेग है वो क्या होगा, सीधे रहेगा, और ये हमारा जो है थोड़ा सा मुड़ा होगा। जो हमारा तीसरा स्टेप है उसको बोलते हैं टी पोजीशन, ये है हमारा, हम इसको टी पोजीशन में आएंगे, ये हमारा टी पोजीशन हो गया, ठीक। जो फोर्थ स्टेप है उसको बोलते हैं क्राउच। क्राउच में क्या होगा, हम टी पोजीशन से यू ऐसे हो गए, ठीक। इसके बाद जो फिफ्थ स्टेप्स है उसको बोलते हैं ड्रैग, ड्रैग या फिर ग्लाइड। ये हमने क्या किया, क्राउच एंड ग्लाइड, ये हमारा ड्रैग किया है या फिर क्या किए, इसको ड्रैग या ग्लाइड बोलेंगे। जब इस पोजीशन में आएंगे तो ये हमारी जो होती है इसको हम लोग पावर पोजीशन बोलते हैं। इस पोजीशन में क्या होगा कि हमारा जो ये पीछे का लेग है वो जो इसकी फीट है 90 डिग्री एंगल पे होगी और ये 45 पे होगी। हमेशा ध्यान देंगे ये जो पोजीशन जब हमारी आई रहेगी, अगर आपकी इस पोजीशन में अगर आपका ये गड़बड़ ऐसे है या फिर ऐसे है तो इसको लॉक पोजीशन में आ जाएगा, ठीक। इसमें आप सही नहीं कर पाओगे, है ना। यहाँ इस पोजीशन में आ गए फिर यहाँ से स्टार्ट करना है, समझ में। यस सर। इस पोजीशन को बोलते हैं रिलीज एंड रिवर्स, रिलीज किया शॉट को एंड रिवर्स, ठीक है, समझ में आ गया। क्या है? इस टेक्निक को सीखने के लिए कितने स्टेप हमें करने होंगे। पहला स्टेप क्या होगा, ग्रिप एंड कैरी, मतलब हमें शॉट को कैसे ग्रिप करना है और कहाँ पे कैरी करना है। मुझे लाओ दिखाओ, ये शॉट हो गई बेटे। जनरली हम लोग गलती क्या करते हैं, इसके पूरे पॉम में रखते हैं, पॉम में नहीं रखना है, हमें ऐसा रखना है ताकि इसका वेट इक्वली हमारे हैंड पे हो, फिंगर्स के डिस्प्यूट हो, ठीक है। कैरी कहाँ करना है, हमारे कॉलर बोन पे और हमारे जा के बीच, ठीक है, यहाँ कैरी करना है। इसको क्या बोलते हैं, ग्रिप एंड कैरी। नेक्स्ट स्टांस, हमारी स्टांस ये हो गई और हमने क्या किया यहाँ पे, ये हमारी ग्रिप हो गई, कैरी हो गई और ये हो गई स्टांस। नेक्स्ट टी पोजीशन, ये हमारी टी पोजीशन हो गई, ठीक। नेक्स्ट क्राउच में ये हो गए। नेक्स्ट ड्रैग एंड रिलीज, अभी ड्रैग किए, ये हमारी पावर पोजीशन है। इसमें हमने क्या बताया था, ये हमारा पैर किस पे होगा, 90 डिग्री 45। अगर हमारा 90 डिग्री पर नहीं रहा तो लॉक हो जाएगा, हमारा लॉक हो जाएगा, जब हम रिलीज करेंगे तो हमें दिक्कत आएगी। जैसे इस पोजीशन में आ गए, ठीक, अब फिर से देखेंगे, ये ठीक है, ये जो हमने पावर पोजीशन पे जब हम आए इसमें हमने क्या किया, रिलीज किया और रिवर्स। इसमें एक चीज़ का ध्यान देना है, यहाँ पे हमारे पास बोर्ड नहीं है, यहाँ पे बोर्ड होता है, कई बार हम थ्रो करते हैं तो क्या होता है, इसके ऊपर टच हो जाता है, टच होना फाउल हो गया, इसके अंदर हो सकता है लेकिन इसके ऊपर टच नहीं होगा, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। अभी आप लोग क्या करोगे, डेमो करोगे, बस सिंपल पोजीशन लो, पहले स्टांस लो, स्टांस बिना वेट के, स्टांस ऐसे, स्टांस लो, ठीक है। टी पोजीशन क्राउच ड्रैग एंड रिलीज। अब एक बच्चा आके यहाँ पे करके दिखाएगा, किसी को क्लियर हुआ, किसको हुआ, आ जाओ, आओ तुम्हें, आ जाओ, मैं बताऊंगा ना, एक एक को करेक्ट करूंगा, सब लोग इधर से आओ, पहले इधर खड़े हो जाइए।
फेस इधर, अभी शॉट को नहीं पकड़ोगे। चलो पोजिशन में स्टांस लो, स्टांस नहीं ऐसे, इसमें वेट किया ठीक है, ये इसको ऐसे करो ठीक। चलो टी पोजिशन लो और थोड़ा सा इसको स्ट्रेट को, ये देखो ऐसे है ना, हमें दोनों से थोड़ा सा ये रखो, बोलो हमें टार्क का यूज करना है। इसको देखो ऐसे पकड़ना है बेटा, देखो ये हमारा जो शॉट है ना इक्वली हमारे फिंगर्स पे डिस्प्यूट रहेगा ऐसे ठीक, फिर ये रहेंगे, ये हुआ